I'm here with Sriram Dalton, who's the writer, producer, and director of Spring Thunder, whose world premiere is tomorrow. It's a movie about land, water, and forests. Sriram ji, aap hame kuch bataye apni movie ke bare mein. 2014 mein maine ye film start ki thi. Aur jab maine film start kiya tha, to maine socha tha ki mere paas संसाधन नहीं है, तो मैंने अपने टाइम को संसाधन बनाया और मैंने एक साल का पूरा प्लान बनाया कि मैं चारों मौसम को पकड़ूंगा और धीरे धीरे पूरी फिल्म शूट करूंगा। लेकिन जब मैंने एक साल तक लगातार काम करना शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि इंडिया में इस देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना और सबसे सक्सेसफुल एक फाइट है जो जिंदा है, जो लड़ाई करते करते फेस्टिवल में कन्वर्ट हो गया है और उसमें लाखों ट्राइबल्स एक साथ जंगल में सबसे ऊंचे पहाड़ पे एक साथ इकट्ठे होते हैं और एक साथ ओथ लेते हैं, हाँ, हम अपने पूर्वजों की धरोहर जल जंगल जमीन की रक्षा करने हेतु आजीवन आंदोलन करने का शपथ लेते हैं। तो वो साउंड सुन करके मुझे महसूस हुआ कि मैं जल जंगल जमीन को बहुत समझ नहीं रहा, हाँ, मुझे लगा कि थोड़ा समय देना पड़ेगा। और फिर मैंने 2014 के बाद 2015, 2016, 2017 उनके साथ समय बिताया, लगातार समय बिताया, जल पानी पे अलग काम किया, जंगल पे अलग काम किया और ज़मीन मैंने 2018 में पूरे देश भर में मैंने अपने कदमों से पैदल यात्रा की, लोगों से मिला और तब जाकर के इस फिल्म को कंप्लीट किया। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि जल जंगल ज़मीन पे एक गहरी, एक बेसिक, एक ठोस मेरी समझ है और इस विषय पे हमने फिल्म बनाया है। All the very best for your screening tomorrow. Thank you. ये फिल्म आपको अगर मालूम हो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मतलब जहाँ जहाँ भी जंगल है, उन जंगलों में ही मिनरल्स हैं, माइंस हैं, हाँ, और पूरी दुनिया को सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में उनको चाहिए वहाँ का लैंड, वहाँ की मिट्टी, किसी भी हाल में जी। मतलब दाव पे क्या लगा है तो हमारा जीवन, हाँ, तो लोग संघर्ष कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर वाटर, देयर फॉरेस्ट, फॉर देयर लैंड। सो इसके सेंटर में जो मेन सब्जेक्ट है वो यूरेनियम माइनिंग का हमने उठाया है। तो यूरेनियम माइनिंग के अगेंस्ट में, यूरेनियम माइनिंग के जो माफियाज़ हैं, हाँ, उनके अगेंस्ट में जो ट्राइबल का फाइट है, ये कहानी हमने उठाई है। बहुत ही दिलचस्प है और आई एम श्योर कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगी इस मूवी को। आई हर्ड दैट 3 million पीपल आर अ पार्ट ऑफ योर मूवी, प्लीज टेल मी हाउ डिड यू मैनेज to get so many people to work with you in this project? Actually, ये सारे लोग 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं और बाहर किसी को नहीं पता, मतलब जंगल के बीच में वो एक साथ इकट्ठे होते हैं और कसम खाते हैं एक साथ लड़ने का, एक साथ संघर्ष करने का, लेकिन वो बात बाहर जाती नहीं है। मैंने जब देखा उनको तो मैंने रियलाइज़ किया कि अरे ये तो गजब फाइट है, ये क्या मतलब वाटर, फॉरेस्ट और लैंड के लिए, मतलब खाने को नहीं है, पीठ पे बच्चा बांधे हुए हैं और कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, ये वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड पे क्यों इतना बात कर रहे हैं और इस मजबूती से कह रहे हैं कि जान देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि थोड़ा इनके साथ जुड़ना पड़ेगा। फिर मैं बहुत लगातार उनके साथ काम किया, झारखंड के सबसे ऊँचे जंगल पहाड़ पर एक फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उनके सामने मैंने ये बात रखा कि आपको जो भी दुख तकलीफ़ है, आपकी परेशानियाँ हैं, आप आइए हमारे साथ फिल्म बनाइए, आप अपनी कहानी खुद लिखिए, आप एक्ट कीजिए, आप डायरेक्ट कीजिए, मिल करके फिल्म बनाइए। और ऐसे लोगों को मैंने जोड़ना शुरू किया और लोग जुड़े, लोगों का विश्वास मैंने जीता और मैंने फिर उनको अपने साथ लेकर के मैंने मतलब जैसा मैंने चाहा वो लोगों ने सपोर्ट किया।
बहुत ही बढ़िया। श्रीराम जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू वर डायरेक्टिंग दिस फिल्म? आई एम श्योर वर्किंग विद 3 million पीपल एंड शूटिंग एट सो मेनी डिफरेंट लोकेशंस मस्ट हैव बीन क्वाइट अ चैलेंजिंग एक्सपीरियंस। बहुत। मतलब सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि मैंने कोई फिल्म की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है जी। हाँ, मैंने सिनेमाटोग्राफी में मिस्टर अशोक मेहता को असिस्ट किया है, जो मेरे गुरु रहे हैं। और जब मैंने फिल्म बनानी शुरू की है तो जो कहानियाँ मैंने बचपन से जंगल पहाड़ और वहाँ की क्राइसिस के बारे में मैंने सुना था, तो मैं कहानी खुद अपना डिज़ाइन करना चाह रहा था। और मेरी टीम में मैं एक बंदा था जिसने फिल्म को थोड़ा सीरियसली जाना समझा था टेक्निकल पार्ट पे। जब वहाँ पहुँचा तो मैंने सबसे पहले तो टीम खड़ा किया, गांव देहात के लोगों को जो साइकिल मैकेनिक हैं, किसान हैं, हल चलाने वाले, टीचर्स हैं, इन तरह के लोगों को ले करके उनको पहले ट्रेंड किया और फिर उनके साथ काम करना शुरू किया। और मेरी फिल्म में 12-13 कैमरामैन हैं, और सभी कैमरामैन मतलब जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको बस इतना पता होता है कि ये बटन दबाने से रिकॉर्ड होता है। सही है। और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और अच्छी बात यह है कि मतलब 4-5 प्रोफेशनल एक्टर को छोड़ के बाकी सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजली नहीं देखी, जिनको मोबाइल नहीं देखा। हाँ, और वैसे लोगों ने फिल्म में काम किया है। और मतलब अब उनका एक्ट परफॉर्मेंस देखिएगा, उनका गाना देखिएगा, उनका हर तरह का परफॉर्मेंस, वो मतलब वो अच्छे एक्टर नहीं कर सकते, उस कन्विक्शन से नहीं कर सकते। दरअसल उन्होंने जिया है ना, मतलब जिस चीज़ पे कहानी है उसको उन्होंने डायरेक्ट फेस किया है जी। तो वो जो एक्ट कर सकते हैं, वो जिस कन्विक्शन से एक्ट कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। वो इमेजिनेशन में आएगा ही नहीं। वो हमारे यहाँ इस सोसाइटी में इमेजिनेशन में आएगा क्या कि कोई आदमी पेड़ के लिए एकदम घेर के खड़ा हो जाएगा और लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? वो नहीं आएगा। तो ये बहुत खास था। इस फिल्म को मतलब लोगों ने हर तरह से फंड किया है। एक्चुअली इट्स अ क्राउड फंडेड फिल्म, और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। किसी ने हार्ड ड्राइव दे दिया, किसी ने गाड़ी दे दी, किसी ने तेल दे दिया, किसी ने अपना घर दिया, किसी ने बोरे का बोरा अनाज दे दिया, किसी ने ढेर सारा मुर्गा उठा करके दे दिया, चिकन दे दिया किलो। तो लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो बजट, सिनेमा का बजट थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये है कि लोगों ने मतलब 3 लाख लोगों ने अपना 5 साल दिया है। बहुत ही बढ़िया। तो ये है उसका बजट। उसकी कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल, उसकी क्या कीमत लगाएंगे, जान की क्या कीमत लगाएंगे। बिल्कुल सही। थैंक यू।